उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है, वो सिलेंडर हमेशा हर महीना देना बोल के हमारी डिमांड है। खाली सरकार एक बार दे के फोटो लेके बैठ गई है। जो भी मनरेगा के हिसाब से जो काम किए हैं उनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। उसके हिसाब से कर्नाटका का अगर देखा गया तो 12 करोड़ रुपये बैलेंस है। तो बेरोजगार युवा है उनको महाना भत्ता दिया जाए। महंगाई को और बेरोजगारी को लेके हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। इस तरह से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां दे बोल के, उसके तहत अपने वादे के तहत चले। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया गया है। जिस तरह से पिछले 15 दिन से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया देश भर में बड़ा बवाल रोजी रोटी का है सवाल, इस उन्वान पे एक मुहिम चला रही थी महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। आज इस मुहिम का आखिरी दिन था। हमने मेमोरेंडम सबमिट किया डीसी साहब को। यहाँ से ये जो हमारी मुहिम है आज यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। हम पूरी हमेशा ये हमारा जो संघर्ष है महंगाई को और बेरोजगारी को लेके हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। हमारा ये डिमांड है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां दे बोल के, उसके तहत अपने वादे के तहत चले और महंगाई के खिलाफ आसमान को छू रही है महंगाई, उसके खिलाफ उसको नियंत्रण में लाए और जो जो बेरोजगार युवा है उनको महाना भत्ता दिया जाए। हमारी ये मांग है कि जो भी बेरोजगार युवा है उसको महाना भत्ता दिया जाए और जो परेशान हाल है जो गरीब है उनको जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है वो सिलेंडर हमेशा हर महीना देना बोल के हमारी डिमांड है। खाली सरकार एक बार दे के फोटो लेके बैठ गई है। 2 करोड़ लोगों को सिलेंडर गैस फ्री में दी है बोल के, जबकि 2 करोड़ के बाद एक को भी है ना फ्री में सिलेंडर नहीं दी है उज्ज्वला योजना के हिसाब से। और हमारी ये मांग है जिस तरह से मनरेगा जो स्कीम आई थी उसके खिलाफ जो भी पेंडिंग बिल्स हैं जो भी मनरेगा के हिसाब से जो काम किए हैं उनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। उसके हिसाब से कर्नाटका का अगर देखा गया तो 12 करोड़ रुपए बैलेंस है जो मनरेगा के तहत जो योजना के तहत जो बिल देना है जो काम किए हैं मनरेगा के तहत उनके अभी ये बिल्स बाकी है, उनका भी पेमेंट किया जाए हमारी मांग है। और दूसरी तरफ जो GST लागू की है सरकार आम कॉमोडिटीज़ पे, गेहूँ चावल शक्कर पे जो GST लागू की है उसके वो भी हटाना बोल के हमारी ये मांग है। पेट्रोल को GST के तहत लें क्योंकि पेट्रोल कच्चे का तेल का दाम कम होने के बावजूद भी पेट्रोल का दाम आगे बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि जो भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो सरकार का जो बात थी उसको सरकार अपने जो पॉलिसीज़ के हिसाब से महंगाई को कम करें और बेरोज़गारी को दूर करें, वरना पूरे देश में हाहाकार मच गया है क्योंकि ये रोज़ी रोटी का सवाल है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से बोला गया है सबका साथ और सबका विकास, उसके हिसाब से ना किसी का साथ है हो रहा है ना किसी का विकास हो रहा है। यहाँ पे गरीब परेशान हाल है, पूरे रोज़ी रोटी का सवाल है। इसके लिए हमारी ये मांग है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में बड़ा बवाल रोज़ी रोटी का है सवाल, इस तहत अपना अभियान चला रही है। ये अभियान अभी यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा संघर्ष जब तक ये जो महंगाई को कम किया नहीं जा सकता, जब तक बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू।